गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज बिजली चली जाने के कारण अपनी क्लास है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई। अभी हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं, अगर इसमें अपना टाइम है वो थोड़ा सा है, इसलिए आज हम जो अपनी अपठित गद्यांश जो अपने पेपर में आता है एवं पद्यांश, उनको मैं आप बता देती हूँ कि वो किस तरीके से हमें हल करना चाहिए। अपठित जो गद्यांश, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, अपठित गद्यांश और पद्यांश का मतलब क्या होता है कि ए का अर्थ होता है नहीं और पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ, यानी जो पढ़ा अपठित का मतलब है जो पढ़ा हुआ नहीं है वो अपठित गद्यांश है और वो काव्यांश भी हो सकता है। तो उसमें क्या लग जाता है, उपसर्ग कौन सा लगता है पठित में? अपठित में ए उपसर्ग लग गया, ए उपसर्ग लगा देते हैं और इसलिए ये जो अपठित शब्द है उसका उपसर्ग लगने के कारण उसका शब्द का निर्माण हुआ है जो पढ़ा नहीं गया है। अपठित की अगर हम उसकी परिभाषा को पढ़ें तो गद्य एवं पद्य का वह अंश जो पहले कभी आपने नहीं पढ़ा उसको हम अपठित गद्यांश और पद्यांश कहते हैं, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी बुक में भी से जो व्याख्याएं आती है या जो आता है गद्यांश वो बुक में से भी आता है कोई किसी चैप्टर में से, और जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है जो आपके पेपर में हमेशा 9th 10th दोनों में ही आएगा वो है कि वो आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा। तो उसको हल करते समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसको पहले पूरे को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए, फिर उसकी जो रोचक पूर्ण और आपको लगते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि इसमें से महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या लग रही है। कोई ऐसा शब्द जो आपको ऐसा लगता है कि इसका विलोम पूछ सकते हैं, इसका पर्यायवाची पूछ सकते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बस एक बार उसको पढ़ेंगे और पढ़ते भी नहीं है, उसको ऐसे देखेंगे कि प्रश्न में ये पूछा गया है और उसको वहां से लगा लेंगे, ऐसे नहीं देखते कि उस प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न पूछते कुछ और है, उत्तर देते हैं उसका कुछ, जबकि क्या है कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका उसको आप अपनी भाषा में उस जो पद्यांश दिया गया है पठित गद्यांश या उसको में पढ़े, फिर उसमें आपको जो प्रश्न लगता है कि ये प्रश्न पूछा गया है और हमें उसका उत्तर ये देना है वो आप अपनी भाषा में दे, तो इससे जो उत्तर देने का तरीका भी आपको आता है और इससे जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए कि उसमें हमें और जो अवतरण हमें दिया गया है उसमें जो शीर्षक आता है उसमें से ही आता है, तो हमें उस जब पढ़ते हैं हम पठित गद्यांश और पद्यांश को तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये जो पैराग्राफ है ये किस पे आ रहा है, कोई भारत माता पे आ रहा है, कोई राष्ट्र बलिदान पे आ रहा है कि राष्ट्रभक्ति से संबंधित आ सकता है और कोई भी हो सकते हैं, प्रभात का ग्वाला है कोई भी, तो उस अवतरण से हमें शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। जो शीर्षक होता है वो बहुत ही छोटा लघु लघु होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं पठित जैसे आता है ना पद्यांश या गद्यांश तो उसका शीर्षक इतने 2 लाइनों का करते हैं, शीर्षक कभी भी 2 लाइनों का नहीं होता, शीर्षक होता है वो हमेशा छोटा होता है, छोटा होना चाहिए, लघु होना चाहिए। और जो आपको जो अवतरण दिया गया है, जो दिया गया है जो पद्यांश है गद्यांश है उसमें ऐसे हमने समझना चाहिए इसका मूल तथ्य क्या है, इसमें मूल बात क्या आ रही है उसको हमें समझना चाहिए। और शीर्षक क्या होता है, अधिकतर आपके जो गद्यांश या पद्यांश होता है उसके प्रारंभ में आपको मिल जाता है अधिकतर या अंत में मिल जाता है, तो आपको पूरा जो अवतरण आप पढ़ते हो
तो उसको उसमें देखा करो कि ये जैसे राष्ट्र संबंधित है कि स्वावलंबन पर है, किस पर है, जो भी है उस या उसके मौखिक भाषा अपनी राष्ट्रभाषा पे है, तो शीर्षक वो आपको प्रारंभ में या अंत में मिल जाता है, तथा इन आपको जो अंश दिए गए होते हैं उन अंशों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। फिर आप जो अपठित गद्यांश है उसका आप जब शीर्षक का चयन कर लेते हो, तो शीर्षक में जो बात है, जो मेन बात कही गई है, उसको आप समझने का प्रयास करें कि किसमें मेन बात क्या करिए, ये जो गद्यांश है या पद्यांश है ये किस ओर संकेत कर रहा है, उसको आपको देखना चाहिए। और जैसे आपके अच्छा पहली एक बात और देखो कि आप जो आपको कोई भी गद्यांश दिया गया है तो आपको एक बार ही नहीं, कम से कम 2-3 बार उस गद्यांश या पद्यांश को जरूर पढ़ लेना चाहिए। और फिर इससे क्या होगा कि आप उसको पढ़ लेंगे ना, तो उसके जो प्रश्नोत्तर होंगे उसको आपको उत्तर देने में सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस बार देवांशी का था या किसी अंजलि का था, किसका था, जो अपठित गद्यांश या काव्यांश एकदम सही था, कौन सी लड़की थी मेरे ध्यान में नहीं है, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर दे रखा था उसको, इसलिए मेरे को ऐसे लगा कि उसने बार बार उसका अध्ययन किया है, वो कौन सी थी मेरे को ध्यान में नहीं है लड़की। तो आप सबसे पहले जो भी अपठित गद्यांश और काव्यांश आपकी बुक में भी दिए गए हैं आप उसको रेगुलर पढ़ेंगे ना, तो आपको उत्तर देना आ जाएगा। जैसे आपका एक अपठित गद्यांश है, पहले गद्यांश का देख लेते हैं फिर पद्यांश को देखेंगे, कि साहित्य और समाज अपनी अपनी समृद्धि के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। अब इसमें देखो मेन बात आ रही है कि साहित्य को क्या कहा जाता है, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण में समाज की हर छवि हर भंगिमा प्रतिबिंब हुआ करती है। साहित्यकार की भावनाएं विचार आकांक्षाएं और संदेश सभी सामाजिक परिवेश की देन हुआ करती है। साहित्य जहाँ समाज की मानसिक प्रगति और ऊर्जा का मानदंड है, वही समाज में भी अपनी समस्त आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य पर निर्भर रहना पड़ता है। अब ये बात जो अपनी इतनी अपने 4 लाइनें पढ़ी हैं, इसमें हमने देखा है कि ये साहित्य और समाज पर ये जो पैराग्राफ है वो चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये शीर्षक अपना हो सकता है साहित्य और समाज, क्योंकि ये 4 लाइनों में केवल साहित्य और समाज की बात आई है। साहित्य विहीन समाज एक निर्जीव प्रतिमा है, इसलिए किसी कवि ने कहा है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। कि साहित्य किसे कहते हैं, जो वहां जहाँ लिखा जाता है, जो लेखक है वो लिखते हैं। साहित्य ने ही मानव समाज को पशुत्व से उठाकर मानवीयता के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया है। विश्व के सभी समाजों पर वहां के साहित्य का युगांतकारी प्रभाव पड़ा है। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसी और वॉलंटियर की लेखनी की आभारी थी, और इटली का कायाकल्प मेजिनी के साहित्य ने गढ़ा था। लेलिन की विचारधारा ही साम्यवादी रूस की परिकल्पना का आधार बनी थी। हिंदी साहित्य भी कभी समाज विरोधी नहीं रही सका है, कि हिंदी साहित्य है वो भी कभी भी समाज विरोधी नहीं रहा है। रासो साहित्य में ध्वनित तलवारों की झंकारे और युद्धोन्मत्त हुंकारे तत्कालीन समाज की परिस्थितियों की प्रतिछायाएं हैं। भक्तिकालीन साहित्य महाराजाओं से निराश जनता को भगवान की कातर पुकार ही तो है। पराजय और उत्पीड़न की कुंठाओं ने ही कबीर, सूर और तुलसी की भक्ति धारा को जनमन का जीवन धार बनाया था। रीतिकालीन कवियों का काव्य भी तत्कालीन समाज का नवोत्थान की ही छाया है। आज का हिंदी साहित्य देश प्रेम प्रगतिवादी भावनाओं तथा अपनी हर विद्या के साथ देश काल के कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अब ये अपना पूरा जो अपठित गद्यांश है, गद्यांश को मैंने तो एक बार पढ़ा है, लेकिन आपके जब एग्जाम में आए तब आप उसको कम से कम 2 बार या 3 बार तो अवश्य पढ़ो, फिर इसमें आपको ऐसे लगे कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी महत्वपूर्ण बात आ रही है, उसको आप अंडरलाइन कर लो। फिर आप एक एक प्रश्न पढ़ो और इस गद्यांश में से ऐसे देखो कि ये बात है वो, हम ये उत्तर तो ये आएगा,
लेकिन हम इसको अपनी भाषा में कैसे लिखे उसका प्रयास करो। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो ये इसका शीर्षक है, ये पूरा पैराग्राफ हमने जो पढ़ा है ये किस पर है, साहित्य और समाज पर है, समाज और साहित्य या साहित्य और समाज कुछ भी कह दो इसको। तो ये, या फिर हमने ये भी अभी पढ़ा था कि साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, तो इसका हम अगर शीर्षक करेंगे तो साहित्य और समाज, अथवा समाज का साहित्य समाज का दर्पण, ये दोनों शीर्षक इसके हो सकते हैं कि साहित्य और समाज, अथवा साहित्य समाज का दर्पण, ये हम शीर्षक है इसको कर सकते हैं कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। फिर दूसरा है, साहित्य और समाज एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, समाज साहित्य है और समाज है वो एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। तो श्रेष्ठ साहित्य की रचना को समाज के सामने रखकर होती है, ये पैराग्राफ में अपने, और समाज भी अपनी प्रगति तथा आकांक्षाओं के अभिव्यक्ति के लिए साहित्य पर निर्भर है। कि अब इसका क्या होगा कि एक साहित्य और समाज एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, कि अगर कोई श्रेष्ठ साहित्य होगा तो उसकी रचना को जब हम समाज के सामने रखेंगे तो लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ करके लोगों के मन में श्रेष्ठ भावनाओं का जन्म होगा ना, तो जो साहित्य होता है वो क्या करता है, लोगों में अच्छी भावनाओं को जागृत करता है, और समाज की अच्छी भावना पढ़ने से या अच्छी विचार पढ़ने से लोगों की क्या होती है, प्रगति होती है, और फिर जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो लोग चाहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति भी क्या होता है, साहित्य है। वो अपने जो कवि होता है वो अपने साहित्य के माध्यम से लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति अपने साहित्य के द्वारा करता है, तो उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति भी है वो भी साहित्य के द्वारा होती है। इसलिए जो समाज की प्रगति है तो आकांक्षाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए साहित्य पर निर्भर है और वो एक दूसरे के पूरक हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया अपने से कि फ्रांस की राज्य क्रांति का आधार क्या था। तो इसमें अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस की राज्य रूसी क्रांति, रूसो और वॉलेंटियर की लेखनी की आभारी थी, लेखनी की आभारी थी। अब आप अपने ऐसा का ऐसा नहीं लिख सकते इसको, इसको हम अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे कि फ्रांस की क्रांति का जो आधार था वो रूसो और जो वॉलेंटियर ने जो अपने लेख लिखे थे, उन लेखों को पढ़कर लोगों में क्या हुई, भावनाएं जागृत हुई कि हमें अब जागृत होना चाहिए। इसका आधार है वो क्या था, रूसो और वॉलेंटियर के जो लेख लिखे गए थे वो थे। तो इसमें हम इसको ऐसे बना के लिखेंगे, इसमें उत्तर दे रखा है अपने को, फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो और वॉलेंटियर की लेखनी की आभारी थी। तो हम लेखने की आभारी थी ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि रूसी क्रांति की विचारधारा रूसी और वॉलेंटियर के जो लेख थे उस पर आधारित थी। नेक्स्ट है अपना, लेनिन की आधुनिक काव्य में कौन कौन से स्वर उपस्थित हैं, कि हाँ, आधुनिक काव्य में कौन कौन से स्वर उपस्थित हैं, हमारा जो आधुनिक काव्य है उसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने अभी पढ़ा कि आधुनिक काव्य में देश प्रेम, क्रांति और प्रगतिवाद की भावनाओं के स्वर सुनाई देते हैं। तो देखो हिंदी साहित्य है, अब ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे हम अपन लोग इसमें, देखो है, हिंदी साहित्य भी कभी समाज विरोधी नहीं रह सका, रासो साहित्य में ध्वनित तलवारों की झंकारे, युद्धोन्मत्त हुंकारे तत्कालीन समाज की परिस्थिति की प्रतिछाया है, और उन्होंने पराजय और उत्पीड़न की कंठाओं ने कबीर सूर और भक्ति धारा को जन मानव का जीवन आधार बनाया। तो इसमें हम ऐसा कैसा नहीं लिख सकते, हम ऐसे लिखेंगे कि आधुनिक काव्य में देश प्रेम का, क्रांति का और प्रगतिवादी भावनाओं का स्वर है वो सुनाई देता है। प्रश्न है कि आधुनिक काव्य में कौन कौन से स्वर सुनाई देते हैं, तो हम इन लाइनों पे पढ़ के हमें क्या पता लगता है कि आधुनिक जो काव्य है वो हमें देश प्रेम का, क्रांति का और प्रगतिवादी भावनाओं का जो स्वर है
वह सुनाई देता है, क्योंकि वह हमें जो समाज चल रहा है वो उसमें उसके विरुद्ध अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, जैसे भारत गुलाम था तो हम गुलामी को सहते रहे तो हम क्या हो जाएंगे, हमारी यही आदत हो जाएगी कि गुलामी में रहना, आजादी में नहीं रहना। लेकिन हम उसके लिए विरोध करेंगे, जागरूक होंगे, उसके विरुद्ध क्रांति करेंगे, तो उस और हमने किया भी, तो उसका परिणाम है कि हम आजादी, आजाद भारत में हम आज सांस ले रहे हैं। ये किसकी किसके कारण है, ये हमारी जो नेता थे जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था, उन्हीं की प्रयासों से, उनके क्रांति के कारण आज हम भारत है वो आजाद हुआ, और आजादी की बेड़ियों से हमें मुक्ति मिली थी और हम आजाद भारत में आज सांस ले रहे हैं। तो ये जो है हम इसको लिखेंगे कि आधुनिक काव्य में देश प्रेम, क्रांति और प्रगतिवाद के भावनाओं के स्वर है वो सुनाई देते हैं। फिर नेक्स्ट है कि भक्ति कालीन साहित्य सृजन क्यों हुआ, कि भक्तिकालीन साहित्य का सृजन क्यों हुआ था, कि भक्तिकालीन साहित्य की जो उस समय की जो समाज था वो उसका सृजन पराजय उत्पीड़न की कुंठाओं के परिणाम हुआ, कि हमें लगातार असफलता मिलती रही, लोग कुंठाओं से ग्रसित हो गए, तो उसका जो भक्तिकालीन साहित्य का जो सृजन है वो जो पराजय मिली और जो उत्पीड़न मिला उनकी कुंठाओं का परिणाम स्वरूप है वो हुआ। फिर है कि साहित्यकार जोड़कर, साहित्यकार शब्द बना है, कार जोड़कर दो अन्य शब्द बनाइए, तो इसे हम बना सकते हैं इतिहासकार है, स्वर्णकार है जो स्वर्ण का काम करने वाला, और इतिहास करने इतिहास लिखने वाला, तो इतिहासकार और स्वर्णकार हम लिख सकते हैं। अब एक देखो इसमें, ये तो था आपके गद्यांश, पद्यांश देखिए, पद्यांश एक पठित पद्यांश भी देखते हैं हम। जो आपके आता है पद्यांश वो देखिए, अरे चाटते जूठे पत्ते, जिस दिन देखा मैंने देखा नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को, यह भी सोचा क्यों न टेटुआ घोटा जाए स्वयं जगतपति का, जिसने अपने ही स्वरूप को दिया इस रूप इस घृणित विकृति का, जगत जगतपति कहाँ है, अरे सदियों से वह तो हुआ राख की ढेरी, वरना समता स्थापन में लग जाती क्या इतनी देरी, छोड़ आसरा अलख शक्ति का, रे नर स्वयं जगतपति तू है, ये तू यदि जूठे पत्ते चाटे तो तुझ पर लानत है थू है, ओ भीख मंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का, जाग रे निंद्रा सम्मोहित, प्राणों को तड़पाने वाली हुंकार से जल थल भर दे, अनाचार के अंबारों से अपना ज्वलित पलिता धर दे। कि कवि जो कह रहा है इसमें वो कह रहा है कि जगतपति किसे कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है, कि कवि के अनुसार जो ईश्वर ही जो ये समाज में उत्पीड़न हो रहा है, और जो ये इस दुनिया जूठे पत्ते के, कोई तो जूठे पत्ते चाट रहा है और कोई ऐशो आराम से रह रहा है, तो इसके अन्याय, इस अन्याय के लिए कौन उत्तरदायी है, ईश्वर उत्तरदायी है, कि यहाँ इतना जो है भेदभाव बढ़ गया है, कवि को ईश्वर से शिकायत है कि वह इस अमीर गरीब का भेदभाव है वो क्यों नहीं मिटाता है, कि
कि अमीर होते हैं वो तो आराम से ऐशो आराम से रहते हैं, और जो गरीब होते हैं वो जूठे पतले चाटते हैं। यानी जूठे पतले चाटने से मतलब है कि वो दुनिया में उनकी गरीबी है वो फैली हुई है, और जो गरीब लोग हैं उन पर अन्याचार होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनका शोषण होते हैं, तो ये सही नहीं है। इसके कवि के अनुसार ये सारे किसके लिए उत्तरदायी, कौन उत्तरदायी, ईश्वर ही उत्तरदायी है। वह कहता है कि आप इस जो ये भेदभाव बढ़ रहा है इसको आप बंद क्यों नहीं कर देते। तो वो ऐसे कहते हैं कवि के माध्यम से, कह रहे हैं कि अरे आप मनुष्य, हे मनुष्य तू क्या है कि तू ईश्वर का सहारा त्याग कर खुद को उस अपनी शक्ति को पहचान, कि तुम में कितनी शक्ति है उसको पहचान, और अपने जो ये भीख मंगे हैं, पराजित मनुष्य हैं, मजलूम हैं, जो ये सब हैं या इन सब की जो आत्माएं सो गई है, उन अपने आत्म सम्मान को जगाए, और ये सारी जो ललकार है इनसे चुनौतीपूर्ण सामना कर, तब अपनी शक्ति को पहचान, तब ये सारे जो भेदभाव है वो मिट जाएंगे। तो इसमें से देखो, पहला प्रश्न अपने से इस पूछा है, कवि ने ऐसा क्या देखा कि उसके मन में उथल पुथल मच गई, और फिर उसके मन में क्या विचार आया कि हमने अभी शुरू में पढ़ा, अरे चाटते जूठे पतले जिस दिन मैंने देखा नर को। तो कवि ने क्या देखा, कवि ने क्या देखा कि जब मनुष्य है वो जूठी पतले यानी जो जिसका जूठा छोड़ा हुआ उसको चाटते देखता है, तो जिस दिन देखा नर को तो उस दिन उसका मन है वो क्रोध से भर गया, और उसके मन में विचार आया कि वह सारी दुनिया का विनाश कर दे। उस दिन ने सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को। कि जब एक मनुष्य ने जब देखा कि, या कवि ने जब मनुष्य को देखा कि वह जूठी पतलों को चाट रहा है, यानी समाज में इतना अनाचार बढ़ गया है कि कुछ लोग तो बहुत ऐशो आराम से रह रहे हैं, और कुछ है जो जूठा छोड़ा हुआ उसको ही चाट रहे हैं, यानी इतना अमीर गरीब का इतना भेदभाव मिट गया हो गया है। तो वो पहला प्रश्न अपने से ये पूछा गया, कवि ने ऐसा क्या देखा, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ, अरे चाटते जूठे पतले जिस दिन मैंने देखा नर को। कि एक दिन जब कवि ने मनुष्य को जूठी पतली को चाटते हुए देखा, तो उसका मन क्रोध से भर उठा गया। उस दिन सोचा क्यों न लगा दू आग इस दुनिया भर को, तो उस दिन उसके मन में आया कि मैं सारी दुनिया का विनाश कर दू, इस यानी आग लगा दू, यानी विनाश कर दू, कि मनुष्य मनुष्य में इस कदर भेदभाव है वो बढ़ रहा है। दूसरा है, कवि को ईश्वर से क्या शिकायत है। तो देखो, यह भी सोचा क्यों न टेटुआ घोटा जाए स्वयं जगतपति का, जिसने अपने ही स्वरूप को दिया रूप इस घृणित विकृति का। तो कवि के अनुसार, कवि ने ईश्वर को क्या शिकायत की, तो कवि के अनुसार ईश्वर ही इस अन्याय के लिए उत्तरदायित्व तो है, क्यों यहाँ अमीर गरीब का इतना भेदभाव बढ़ गया है। तो कवि को ईश्वर से शिकायत है कि वह गरीब और अमीर का जो भेदभाव है वह क्यों नहीं मिटाता है, क्यों इतने जो अमीर हैं उनको इतना अमीर बना देता है कि वह जो गरीब लोगों की ओर देखता ही नहीं है। तो ये भेदभाव के लिए कौन उत्तरदायी है कवि के अनुसार, कवि के अनुसार ईश्वर ही इस भेदभाव के लिए उत्तरदायी है। तीसरा प्रश्न है, कवि मनुष्य को किस प्रकार जागृत करने का प्रयास करता है। तो कवि मनुष्य को क्या कहता है कि छोड़ आसरा अलख शक्ति का, रे नर स्वयं जगतपति तू, तू यदि जूठे पत्ते चाटे तो तुझ पर हलाना तू है। कवि मनुष्य को ईश्वर का सहारा त्याग कर अपनी शक्ति को ललकारने को कहता है कि आप ईश्वर का सहारा छोड़ दो कि भगवान मेरी सहायता करेगा, उसको छोड़ दो और आप अपनी शक्ति को स्वयं पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इसीलिए कवि मनुष्य को जो भीख मंगे हैं, देखो, अरे ओ भीख मंगे, अरे पराजित, ओ मजलूम, अरे चित्तोही, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग, अरे निद्रा सम्मोहित। कि अरे भीख मंगे, पराजित, मजलूम, आप सब है वो आपकी आज जो आपकी जो आत्म सम्मान है जो सो गया है उसे जागृत करने का प्रयास कीजिए। यानी जब मनुष्य अपने आत्म सम्मान से जीगा, आत्म सम्मान जागृत कर लेगा, फिर वह किसी पर भी डिपेंड नहीं रहेगा, वो खुद स्वावलंबी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि शक्ति का भंडार कि कवि ने ईश्वर के होने में विश्वास क्यों नहीं होता, कि कवि को ईश्वर के होने में विश्वास क्यों नहीं होता, तो वो कह रहा है तू प्राणों को तड़फाने वाले हुकारों के जल थल भर दे, अनाचार के अंबारों से अपने भर दे। ये यहाँ पे है, हाँ, जगतपति कहाँ, अरे सदियों से वह तो राग की ढेरी, वरना समता स्थापन में लग जाती क्या इतनी देरी। कि वह कवि है, वह ईश्वर में होने में विश्वास नहीं क्यों नहीं करता, वह ईश्वर कवि ईश्वर के विश्वास इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका मानना है कि आया है कि जगतपति कहाँ रे सदियों से वह हुआ तो राग की ढेरी, वरना समता स्थापन में लग जाती क्या इतनी देरी। कि यदि ईश्वर होता तो संसार में जो समता की स्थापना में इतनी देर नहीं लगती, यानी जो इतना भेदभाव बढ़ गया है अमीर गरीब का, ऊंच नीच का, ये सारे भेदभाव नहीं होते। यदि ईश्वर होता तो संसार की जो समानता की स्थापना में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती। फिर प्रश्न वही पूछा गया है कि पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक प्रदान कीजिए, पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक प्रदान कीजिए, तो उपयुक्त इसका शीर्षक होगा खुद की पहचान या मनुष्य की पहचान, कोई भी शीर्षक हो सकता है। तो स्टूडेंट आज हमने जो अपठित गद्यांश है, पद्यांश है, उसको किस प्रकार से हल करते हैं इसका मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है या बताया है। आशा है आप लोग ऐसे ही इसको पद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका अर्थ समझकर उसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप इससे पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।